Today's discussion is on what is critical thinking. Now, this is a very important thing, and this is something which we will not be able to finish in one class. So it will take a few more classes before we go on to have a very clear idea about critical thinking. So today is again very introductory and first class for all of us, and we will just discuss that what is meant by critical thinking and how we should start thinking, or how we should start our thinking process, है ना? क्योंकि ये important भी है, and it is very important for all of us to think in a way so that we can reach the right conclusion. That is the idea of critical thinking. So we will start with this. That what is critical thinking? Now, if you go by very basic definitions, so one of the good definitions which you can find in Bellin is that it is done for the purpose of making up one's mind about what to do or what to believe. Now, what to do or what to believe? Class. Huh? Class. हाँ, 11 बजे तक खत्म हो जाएगी. So the first definition says, or the first thing which is said is that it is done for the purpose of making up one's mind about what to do or what to believe in. Now this is very important, because जैसे कि हो सकता है आपको कोई situation है जिसमें किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो you have to make up your mind, right? कि कौन सच बोल रहा है, या क्या चीज सच है, या क्या चीज सही है, एंड सो ऑन. इट कैन बी अ डिसीजन मेकिंग कि आपको इधर जाना चाहिए कि इधर जाना चाहिए, ये खाना चाहिए कि वो खाना चाहिए, या ये चीज करनी चाहिए कि वो चीज करनी चाहिए, ये वाली चीज चूज करनी चाहिए कि वो वाली चीज चूज करनी चाहिए. तो यू हैव टू मेक अप योर माइंड. सो दैट इज वन ऑफ द वेज वेयर वी आर थिंकिंग क्रिटिकली. ओके, सेकेंड इज द पर्सन एंगेजिंग इन थिंकिंग इज ट्राइंग टू फुलफिल स्टैंडर्ड्स ऑफ एडिक्वेसी एंड एक्यूरेसी एप्रोप्रिएट फॉर थिंकिंग. नाउ ये क्या चीज है? देखो, एडिक्वेट है कि नहीं, हमारे पास एनफ ऑफ मटेरियल है सो दैट कि हम डिसाइड कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम एडिक्वेसी. और एक्यूरेसी क्या है कि व्हाट वी आर डिसाइडिंग, इज इट द राइट थिंग, क्या वो गलत तो नहीं हो रहा है, एंड सो ऑन. तो आपको दोनों चीजों को ध्यान देना है. फर्स्ट इज एडिक्वेसी, सेकेंड इज एक्यूरेसी. तो क्या कहते हैं, द पर्सन एंगेजिंग इन थिंकिंग इज ट्राइंग टू फुलफिल द स्टैंडर्ड्स ऑफ बोथ एडिक्वेसी एज वेल एज एक्यूरेसी. तो उसको एक्यूरेट भी करना है, उसको जो है एडिक्वेट भी करना है, appropriate to the thinking. So the thing is that we have to think very critically before we can go on to pass a judgment. Because ultimately hum soch ke karenge kya? We will be actually deciding about something, right? We will be trying to take a judgment. We will try to take a decision. So ye jo decision making hai, ye jo judgment hai, wo appropriate hai ki nahi hai, accurate hai ki nahi hai, adequate hai ki nahi hai, ye sari cheeze as per thinking humko decide karni hai. तो ये चीजें जो है हमें देखनी पड़ती है. तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी प्राइमरी एंड अ वेरी रेलिवेंट एंड अ सिग्निफिकेंट थिंग अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग. थर्ड, द थिंकिंग फुलफिल्स द रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स टू सम थ्रेशोल्ड लेवल. देखिए, कोई भी चीज प्रॉपर होगी, परफेक्ट होगी, ये मानना थोड़ा मुश्किल होता है ना, लेकिन एक सर्टेन लेवल है उसको तो क्रॉस करना है ना. जैसे कि ऐसा हो सकता है कि हम एक एग्जामिनेशन दे रहे हैं और उसमें 100 मार्क्स पूरा का पूरा है, तो हम 100 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे कि नहीं, वो तो एक मतलब दिस इज लाइक समथिंग. जैसे कि आर्ट्स वाले एग्जामिनेशंस या कॉमर्स वाले एग्जामिनेशंस या जिसको हम कहते हैं ह्यूमैनिटीज वाले एग्जामिनेशन, सोशल साइंसेज वाले एग्जामिनेशंस, इसमें हमेशा फुल स्कोर करना बहुत मुश्किल ही है या इनफैक्ट नहीं पॉसिबल. लेकिन एक थ्रेशोल्ड कि भाई इससे ऊपर मार्क्स आएंगे तो अच्छे कहलाते हैं. जैसे कि कुछ जगहों पे 60% मार्क्स आ रहे, कुछ जगहों पे 70% मार्क्स आ रहे, कुछ जगहों पे 80% मार्क्स आ रहे, तो वो जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है, दैट थ्रेशोल्ड नीड्स टू बी आल्सो रीच्ड, है ना. बिकॉज लुक, वी मे नॉट बी परफेक्ट, ऑब्वियसली नोबडी इज, लेकिन वी आर मेकिंग अ गुड डिसीजन और वी आर मेकिंग और वी आर रीचिंग दैट लेवल या वो थ्रेशोल्ड जहाँ पे कि हमारी डिसीजन मेकिंग ठीक थी. तो उस पोजीशन को रीच करना जो है इंपॉर्टेंट है, ये चीज जो है हमें समझनी. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द थ्रेशोल्ड. तो एक थ्रेशोल्ड लेवल है जिसको कि रीच करना. एक डेफिनेशन और है जो कि जॉन डुई ने दी थी, और जॉन डुई के हिसाब से वो कहते हैं, सबसे पहले तो जॉन डुई जो है क्रिटिकल थिंकिंग को रादर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, सबसे पहले ये चीज पता. नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग? देखिए, आप देखना कि फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस इस तरीके से जो है बहुत बार हम वर्ड्स या बहुत बार हम इस तरीके से सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं. इसका मतलब क्या है कि आपको कोई चीज बताई गई तो आपने उससे क्या कंसीव किया, या आपने उसमें क्या सोचा, या आपको वो कैसी चीज लगी. सो यू पुट योर पॉइंट ऑफ व्यू.
तो वो जो पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कहा जाता है रिफ्लेक्शंस, ठीक है, एक तरीके से। जैसे नॉर्मली आप देखना कि इन फिलोसफी पीपल विल कॉल यू दैट सप्लाई योर रिफ्लेक्शंस ऑन दैट, है ना, और व्हाट आर द फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस फ्रॉम दिस पैसेज, है ना। तो हमको देखना पड़ता है कि उसमें फिलोसफिकल क्या बातें बोली गई हैं, या हमको जो है उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिले, किसी ने किसी चीज को सजेस्ट किया या किसी ने किसी चीज को जो है काउंटर किया, किसी ने किसी चीज के अगेंस्ट में या फेवर में आर्ग्यू किया, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजों को हम रिफ्लेक्शन, तो ये कहते हैं कि ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इसका मतलब क्या है, अगेन मतलब इट इज अनदर वर्ड फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे कि अगर सपोज ऑब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया कि जॉन डुई कॉल्स क्रिटिकल थिंकिंग एज, तो इट इज रिफ्लेक्टिव, है ना, इस तरीके से। इट इज जस्ट वन एंड द सेम थिंग फॉर हिम, एंड ही डिफाइंड इट एज, कैसे वो डिफाइन करते हैं, एक्टिव परसिस्टेंट एंड केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ एनी बिलीफ or supposed form of knowledge in the light of the grounds that support it and further conclusions to which it tends. तो आपको सबसे पहले क्या होना है, बहुत careful होना है, ठीक है। Careful क्यों होना है, because you should not miss a thing, you should not be like the ignoring something, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या होना है, careful, you have to be very very careful about first thing. Second thing क्या करना है कि वो किस चीज के लिए केयरफुल होना है, जो भी आपके बिलीव्स हैं या आपके पास जो भी नॉलेज है, ठीक है, उसमें आपको कितने प्रेमाइस। जैसे कि मैंने आपको बोला भी था कल, मैं जब जारा और जरका से बात कर रहा था, माही वाज एब्सेंट, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी वर आल्सो डिस्कसिंग दैट व्हाट इज इट विच इज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। तो हमने बोला था कि प्रेमाइसिस एंड कॉन्क्लूजन होते हैं, उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। मतलब कि किसी आर्ग्यूमेंट में जो है कुछ प्रेमाइसिस होते हैं, प्रेमाइसिस आर बेसिकली अगर हिंदी में बात करें तो उसको कहते हैं आधारवाक्य, और कंक्लूजन इज निष्कर्ष। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास सब सेट ऑफ कुछ प्रपोजिशंस होते हैं जिसके थ्रू हम एक कंक्लूजन को रीच करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वहां जो प्रोसेस है ना, उसको कहते हैं हम इन्फेरेंशियल प्रोसेस, ठीक है। तो इन्फेरेंशियल प्रोसेस क्या होता है कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ प्रपोजिशंस दिए गए हैं कि ए इज बी, बी इज सी, है ना, या ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, तो हाउ ए इज रिलेटेड टू सी, समथिंग लाइक दैट। तो आप उसमें से जो है, उस प्रेमाइसिस से जो है कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, दैट इज बेसिकली एन आर्ग्यूमेंट, है ना। एक कॉमन लैंग्वेज में आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है झगड़ा करना, है ना, या डिसएग्री करना या गुस्सा करना किसी के ऊपर, मेरा उसके साथ आर्ग्यूमेंट हो गया, एंड दिस एंड दैट एंड सो ऑन। बट एक्चुअली स्पीकिंग the truth is that argument is it's a very structured thing and it is having premises and conclusion where the premises support the conclusion. Agar premises support karte hain conclusion ko to usko good argument kehte hain, aur agar premises conclusion ko support nahi karte hain bad argument ho jata hai. To is tarike se hum log baat karte hain. To yahan par ye bhi yahi cheez keh rahe hain ki kya keh raha hai ki careful consideration of any belief or supposed form of knowledge in the light of the grounds that support it and the further conclusions to which it tend. तो आपको बहुत केयरफुली कंसीडर करना है ना। हम आपको आगे चल के जब हम इसके सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट पे जाएंगे तो हम आपको प्रॉपर लॉजिकल तरीके से बताएंगे, क्योंकि हमारे कोर्स का नाम इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग, ठीक है ना। तो हम क्रिटिकल थिंकिंग डिस्कस करेंगे एंड रीजनिंग प्रोसेस दोनों डिस्कस करेंगे, सो दैट यू अंडरस्टैंड आर्ग्यूमेंटेशन क्या होता है, कैसे हम प्रेमाइसिस से कंक्लूजन निकालते हैं, सो ऑन। एंड ही इज ऑल्सो सेइंग द सेम दैट इट इज अ प्रोसेस, a very careful, considerable process through which we reach from the premises to the conclusion, है ना? Yeah, we reach to the conclusion through the given set of premises. तो ये चीज जो है हमें देखनी होती है. So that is what John Dewey said. अगर मैं बहुत ही simple भाषा में, ठीक है? Simply speaking, it is careful thinking directed to God. मतलब आप अभी पुराने जो दोनों definitions देखे आपने, वो definitions को अगर आप crux में देखें, है ना? The crux of everything is that it is carefully thinking about something where you have to reach a goal. So, बहुत ज़्यादा complex definitions कभी-कभार होते हैं, किसी ने कुछ कहा, and this and that and all. But simply, अगर आप देखो, तो it is nothing but a process through which we reach the conclusion through the set of premises which is given. It is like carefully thinking towards a goal, directed towards a goal. So, just like that. So अब ये प्रोसेस जो है, ये जो है मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई चीज डिफिकल्ट होगी या कोई मतलब बात इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स। बट होता क्या है, अब देखो मैं आपसे सच बात बोलता हूँ, आप सब लोगों से बोल, और आप देखोगे कि क्रिटिकल थिंकिंग में इमोशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर नॉट नेचुरली लॉजिकल,
ह्यूमन बींग्स आर नॉट नेचुरली लॉजिकल, है ना, वो लॉजिकल नहीं होते, उनको लॉजिकल बनाया जाता है, ठीक है, एजुकेशन, केसेस, सिचुएशन, बहुत सारे लाइफ एग्जाम्पल्स से जो है धीरे 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 ह्यूमन बींग्स टर्न लॉजिकल. यूजुअली दे आर इमोशनल एंड यूजुअली दे आर लेस लॉजिकल और समटाइम्स इवन नॉट एट ऑल लॉजिकल. तो लॉजिकल चीज जो है वो सीख ही जाती है. इट इज लाइक अ लर्नेड थिंग. वी लर्न द प्रोसेस एंड जब वेन वी लर्न द प्रोसेस देन इट इज ईजियर फॉर अस टू रिलेट, देन इट इज ईजियर फॉर अस टू जज और टू डिसाइड एंड सो ऑन. तो वो जो लर्निंग है इट हैज टू टेक प्लेस और उसके लिए आपकी कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं. जैसे कि कभी कभार ऐसा भी कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकर्स हैव डिस्पोजिशंस एंड एबिलिटीज दैट लीड देम टू थिंक क्रिटिकली व्हेन एप्रोप्रिएट. कुछ लोगों में हो सकती है ना, क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं कुछ लोग जो कि किसी भी चीज को आप बोलोगे एकदम से नहीं मानेंगे, सबसे पहले उसको बहुत सोचेंगे, बहुत क्वेश्चन करेंगे, बहुत जो है काउंटर एग्जाम्पल्स देंगे आपको एंड दिस एंड दैट. फिर आपने बताया कि ऐसे नहीं, ऐसा था, ये था, वो नहीं, वो था, फिर धीरे 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 वो उसको मानते हैं या फिर आपको गलत भी प्रूव कर सकते हैं. दोनों चीज़ हो सकती है, ऐसा नहीं कि वो मान जाएंगे, है ना. अगर उनको सही नहीं लगेगा और उनके पास रीजंस हैं तो दे विल नॉट एक्सेप्ट, और अगर उनके को सही लगेगा और दे हैव रीजंस टू एक्सेप्ट तो दे विल एक्सेप्ट. बट द थिंग इज कि क्रिटिकल थिंकर्स के पास कुछ एबिलिटीज होंगी, ठीक है. अब ये एबिलिटीज नेचुरल हैं कि नहीं है या आर्टिफिशियल हैं या फिर इसको सिखाया जा सकता है, इसको पढ़ाया जा सकता है, एक अलग डिबेट है, हम उस पर फिर कभी जाएंगे या हो सकता है जाने की जरूरत नहीं पड़े. लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि वो एबिलिटीज को जानना, उन डिस्पोजिशंस को जानना कि वो क्या चीजें हैं जो कि हमें लॉजिकल बनाती है, वो क्या चीजें हैं जो कि हमें क्रिटिकल बनाती है या हमें एक क्रिटिकल थिंकर बनाती है, ठीक है. तो ये चीजें जो है हमें सीखना है या ये चीजें जो है हमें समझना है. सो दिस इज द थिंग विच दे आर टॉकिंग अबाउट. चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. डूई, जिनके बारे में भी हमने थोड़े पहले डेफिनेशन लिया, इन्होंने ना फाइव फेजेस बताए, ठीक है, जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज या क्रिटिकल थिंकिंग डिस्पोजिशंस होते हैं हमारे में, उनके पांच फेजेस के बारे में. सबसे पहले सजेशंस इन विच द माइंड लीव्स फॉरवर्ड टू अ पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है. देखो हमारे दिमाग में कभी कभार कुछ सजेशंस आते हैं, ठीक है, और वो सजेशंस जो है हमें हेल्प करता है एक पॉसिबल सॉल्यूशन या कंक्लूजन निकालना, है ना. जैसे कि हम कोई केस सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि पुलिस एक पर्सन है जो कि पुलिस सर्विसेज में है, ठीक है, एंड ही इज इन्वेस्टिगेटिंग अ केस. तो उन्होने कुछ क्वेश्चंस किए और कुछ सिचुएशंस बनाए और उसके बाद जो है उनके दिमाग में कुछ सजेशंस है कि ये चीज और ये चीज ऐसे ऐसे रिलेट हुई होगी और इससे ये. तो ये जो सजेशंस हैं जो माइंड में आते हैं दे लीड अस टू अ पॉसिबल सॉल्यूशन और अ कंक्लूजन. दिस इज वन. सेकंड, एन इंटेलेक्चुअलाइजेशन ऑफ डिफिकल्टी और परप्लेक्सिटी इनटू अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, अ क्वेश्चन फॉर विच द आंसर मस्ट बी सॉल्व. देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको इंटेलेक्चुअली कोई चीज सोचना है ना, कि उसकी डिफिकल्टी या उसकी परप्लेक्सिबिलिटी क्या है, व्हाट आर दोज थिंग्स विच आर डिफिकल्ट इन दिस केस और कॉम्प्लेक्स इन दिस केस और परप्लेक्स्ड इन दिस केस, है ना, और उस क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढना है. देखो कभी कभार क्या होता है ना कि हमको हमने किसी को क्वेश्चन किया, उसने एक बड़ा सिंपल से झूठ, ठीक है ना, और आपको समझ में आता है कि ये केस इतना सिंपल नहीं है, ये केस इतना आसान तो नहीं है. तो ये जो चीज है दिस इज व्हाट वी कॉल एज द इंटेलेक्चुअलाइजेशन. दैट मींस दैट वी नीड टू आल्सो प्रॉब्लमेटाइज, है ना. जैसे फिलोसफी जो है, फिलोसफी हम डिस्कशन करते हैं, सो देयर इज अ नीड टू philosophize, there is a need to problematize that what is the problem here, you know, whether it is the problem of evil, whether it is the problem of anything, we need to think कि यहाँ पे problem क्या है, ये चीज हो क्या रही है ना, यहाँ पे कुछ तो है जो कि problematic है, नहीं तो फिर चीजें सब normal चल रही होती है ना. सब लोग बहुत हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आप देखो उनके mental health बहुत खराब है ना, दुखी है अंदर से, ठीक है. या आप दो लोगों को देख रहे हैं, वो उनकी फोटोज बड़ी अच्छी लगती हैं, एक दूसरे के साथ बहुत स्माइल करके फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन घर में जाते जाते लगने लगता है ये किसी ने किसी का फोन कर दिया है ना. अभी बड़े सारे केसेस आ रहे हैं, तो क्यों, कुछ तो प्रॉब्लम है. तो आपको वो प्रॉब्लम को भी जो है सॉर्ट करना है. नेक्स्ट, द यूज ऑफ वन सजेशन आफ्टर अनदर एज अ लीडिंग आइडिया और हाइपोथेसिस टू इनिशिएट एंड गाइड ऑब्जर्वेशन एंड अदर ऑपरेशंस इन कलेक्शन ऑफ फैक्चुअल मटेरियल. देखिए क्या होता है, आपके पास बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं या बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सोचने के, लेकिन आपको एक हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी. हाइपोथेसिस बनाने का मतलब क्या है कि आप मान लोगे कि ओके एक्स मस्ट बी द रीजन, ठीक है,
वाई नहीं हो सकता, जेड नहीं हो सकता, या ए या बी नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि ए के पास ये रीजन नहीं है, या ए में जो है ये वीकनेस है, बी में ये वीकनेस है, वाई और जेड में वो वीकनेस है, तो एक्स होगा. आपको ये भी सोचना पड़ेगा बिकॉज देर विल बी सो मेनी केसेस और देर कैन बी सो मेनी, जिससे मुझे कहना चाहिए कि थिंग्स ऑन विच यू कैन थिंक अबाउट, लेकिन उसमें से कोई एक जेन्युइनली आपको सोचना पड़ेगा कि ओके दिस इज द रीजन. जैसे कि सपोज कि यू हैव लाइक फाइव कॉलेजेस जहां पे कि आपका सिलेक्शन हुआ, या फाइव कॉलेजेस वेर यू हैव अप्लाइड और पांचों से आपका एडमिशन का कॉल आ गया, ठीक है ना. तो अब आपको उनमें से बेस्ट कोई एक चूज करना है ना, कि ओके आई विल गो टू दिस यूनिवर्सिटी और आई विल गो टू दिस कॉलेज और आई विल गो टू दिस और आई विल गो टू दिस स्टेट. तो ये जो एक के ऊपर बाकी को, मतलब बाकी सबके ऊपर जो एक को रखना होता है, ये इज व्हाट वी कॉल एज द हाइपोथेसिस. लाइक ओके दिस इज द लीडिंग थ्योरी विथ विच वी कैन वर्क, है ना, ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट हमें लग रहा है. तो ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है. अच्छा, इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं. दो और चीजें जो कि डुई ने बोली है वो भी देख लेते हैं. द मेंटल एलैबोरेशन ऑफ द आइडिया और सपोजिशन एज एन आइडिया और सपोजिशन रीजनिंग इन द सेंस ऑन विच रीजनिंग इज पार्ट एंड नॉट द होल ऑफ इन्फेरेंस. मतलब अब आपको ना उस केस को जो है सॉल्व करना है. दैट मीन्स कि अब आपको इन्फेरेंशियल मूव पे आने वाले. दैट मीन्स यू आर कमिंग फॉर दैट सपोजिशन ऑफ द आइडिया, या यू आर कमिंग टू दैट मेंटल इलेबोरेशन. कैसे हुआ होगा, है ना. जैसे जिसमें बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि एक पुलिस जो है एक केस इन्वेस्टिगेट कर रही है जिसमें कि एक मर्डर हुआ है, ठीक है. उसको कुछ रीजंस मिले हैं कि ये है यहाँ पे है यहाँ पे है, तो वो एक मेंटली कॉन्स्ट्रक्ट करता है कि कैसे हुआ होगा. एक पर्सन इतने से इतने बजे के बीच में घर में घुसा, फिर उसने दरवाजे का कुंडी लगाया, फिर उसने जो है इसको यहाँ से ऐसे उठाया या वहां से वो किया, इस वेपन से उसने जो है मारा सामने वाले को. तो ये जो मेंटल इलेबोरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नीड टू नाउ स्टार्ट थिंकिंग कि क्या हुआ होगा, है ना, और कैसे उसको रिक्रिएट करो. तो दिस इज द थिंग. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस बाय ओवर्ट और इमेजिनेटिव एक्शन. आपने हाइपोथेसिस बनाई थी, मतलब कि आपने माना था कि ये वाला केस हुआ होगा, फिर आपने उसका मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट बनाया. जब वो मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट बनाया उसके बाद फिर आपको टेस्ट भी करना पड़ेगा, है ना. ऐसे नहीं कि बस मैंने मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट बना के छोड़ दिया, हाँ हो गया केस. नहीं, यू हैव टू टेस्ट कि अगर ऐसे ऐसे हुआ होगा तो ये सारी चीज ऐसे ऐसी होनी चाहिए थी, अगर नहीं है तो फिर मेरी पहली वाली चीज गलत थी, मुझे कोई दूसरा केस लेना पड़ेगा. और अगर ऐसे ऐसे हुआ था तो ये चीजें यहाँ यहाँ होनी चाहिए. तो आपने देखा बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी है, ये ऐसे लटका था, ये ऐसे पड़ा हुआ था, ये चीज यहाँ पे दुखती गिरी हुई थी, दरवाजा फिर जो है कोई बाहर से जो है उसको खोल के भाग गया था, या फिर खिड़की से भाग गया था इंसान, दरवाजे से घुसा, उसने कुंडी लगाई और फिर खिड़की टूटी हुई मिली, तो वहां मतलब कि खिड़की के यहां से भाग गया, समथिंग लाइक दैट. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग. जैसे कि आप एकदम से कहीं से दोस्त के यहाँ पे पार्टी करने गए थे या फिर मिलने गए थे, और उसके बाद आप घर में पहुंचे तो आपको ना कुछ शक हुआ कि लगता है कोई घर में घुसा, जबकि ताला तो बाहर से लगा हुआ है, ठीक है. फिर आपने देखा कि एक खिड़की खुली हुई है, जबकि आपको याद है कि आपने खिड़की बंद करके गए थे. फिर देखा कि आपने ग्रिल कटा हुआ है, तो आपका दिमाग में शक बैठने लग जाता है. उसके बाद तो ये अगर यहाँ से घुसा होगा और कोई चीज जो है फर्स्ट वाले रूम में हिली डुली नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि कोई आके घुस रहा था या घुस भी गया होगा, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि हम लोग आ गए हैं तो तुरंत फिर वापस भाग गए, इसलिए कोई चीज वहां पे मूव नहीं. लेकिन अगर कि सपोज की खिड़की भी खुली हुई है, आगे पीछे कुछ बिखरा हुआ है और उसके बाद जो है किसी के पाँव के निशान मिले, तो फिर आप जा सकते हो अंदर और देख सकते हो कि इस जगह से कोई चीज चुराई गई होगी, है ना, या समथिंग लाइक. तो ये जो सारी चीजें हैं, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. और मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि ये क्रिटिकल थिंकिंग हमें सिखाने की जरूरत है या समझाने की जरूरत है. हाँ, लेकिन कुछ कुछ प्रोसेसेस हैं जिसको कि समझना जरूरी है, जहां पे कि हम गलतियां करें. हम जब इस कोर्स में आगे चलेंगे तो यू विल सी दैट वी डू अ लॉट ऑफ एरर इन रीजनिंग एंड वी ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ एरर इन इवन थिंकिंग. इट्स नॉट ओनली कि हम रीजनिंग गलत करें, वी ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग ऑल्सो इन द रॉन्ग फैशन, है ना. तो उन चीजों को भी थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है. चलिए, तो खैर डीवी के फाइव फेजेस थे. क्या क्या चीजें हैं जिसकी जरूरत है हमें, इनको हम कहते हैं इनिशिएटिंग डिस्पोजिशंस. इनिशिएटिंग डिस्पोजिशंस मतलब जो चीजों की रिक्वायरमेंट है हमारे में, सो दैट वी कैन बी अ क्रिटिकल थिंकर. सबसे पहले यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव. ऐसे यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव इन द क्लास, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव इन द इवन इन द मूवी थिएटर.
सपोज आप दृश्यम देखने गए, जस्ट इमेजिन, ठीक है, एंड दृश्यम जो है एक थ्रिलर है, ठीक है, तो उसमें आप कोई सीन मिस नहीं कर सकते, या कोई बात किसी ने जो बोली थी वहां उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप पॉपकॉर्न खा के अपने दोस्त के साथ बात करने चले गए तो पता चला कि हो गया, है ना, आपको मूवी समझ में नहीं। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव इन योर लाइफ फॉर दैट मैटर। क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए तो बनना ही है, बट ऐसे भी आपको बहुत अटेंटिव होना चाहिए, आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए अपना भी और आसपास जो चीजें हो रही है, और एल्स वी कैन बी फूल्ड बाय पीपल, वी कैन बी चीटेड बाय पीपल, और वी कैन मीट विद एन एक्सीडेंट एज वेल, ठीक है ना। तो द थिंग इज दैट वी हैव टू बी वेरी अटेंटिव इफ वी वॉन्ट टू बी अ क्रिटिकल थिंकर। सेकेंड, आप में एक हैबिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, आपको ना हमेशा थोड़ा सा इंक्वायरिंग होना चाहिए। इंक्वायरी होने का मतलब ये नहीं कि हर किसी से सवाल पूछने पड़ते, तू कहाँ गया था, कहाँ गया था, क्यों गया था, कितने बजे आया, कितने बजे गया, नहीं, नॉट लाइक दैट आई एम सेइंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि आपको इंक्वायरी जो है, यू शुड बी हैविंग दैट हैबिट कि अगर कोई ऐसी चीज है, जैसे कि सपोज आप एक क्लास में बैठे, जैसे कि लेट मी आस्क दिस थिंग, वॉट एवर आई हैव टॉट टिल नाउ, इज इट थिंग, इज एवरीथिंग वेरी क्लियर टू यू गाइस, ऑल ऑफ यू? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ, और अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो मुझे बोलना नहीं चाहिए या मुझे बोलना नहीं पड़ना चाहिए कि आप उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछना आराम से, एक्सक्यूज मी सर आई हैव अ क्वेश्चन, है ना, या आई हैव अ डाउट। तो इसको कहते हैं हम इंक्वायरी, और इंक्वायरिंग होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो यू शुड ऑलवेज बी आस्किंग, यू शुड ऑलवेज क्लैरिफाई, इसको कहते हैं हैबिट ऑफ इंक्वायरी। थर्ड, आप जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है ना कि वी आर ऑलवेज लाइक IDK, है ना, आजकल मैंने देखा है लोग जो है बहुत यूज करते हैं इसको, हर चीज जगह में बोल देंगे IDK। मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि IDK का मतलब क्या होता है, बाद में जब किसी ने बताया कि इट इज लाइक आई डोंट, है ना, तो आपने ऐसा क्यों बोला? आई डोंट नो, है ना, मुझे क्या करना चाहिए, आई डोंट नो, एंड सो ऑन। तो दैट इज नॉट ए वेरी गुड थिंग, यू शुड बी डिसाइसिव। You should be decisive का मतलब क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको जो है अपने decisions लेने चाहिए, तो ये एक important। फिर courage, है ना, घबराना नहीं है बेटा, कभी भी जिंदगी में कोई भी चीज घबरा के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको जो है थोड़ा सा courageous होना चाहिए, है ना, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अगर जान पे बनाई है या अगर मुझे कोई स्टेप लेना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई शुड बी वेरी क्लीन एंड क्लियर विद द आइडिया। तो करेज होना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप अगर कॉन्फिडेंस, आप में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है और अगर आप में करेज नहीं, तो आप कितने भी अटेंटिव और हैबिट ऑफ इंक्वायरी रखें, आपका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, मतलब आपसे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो यू रियली 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 हैव टू बी वेरी अटेंटिव, वेरी हैविंग द हैबिट ऑफ इंक्वायरी, यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड यू शुड बी करेज। चलिए चार और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए, डॉगमेटिक नहीं होना चाहिए, जैसे लोग हो ना, लोगों का एकदम क्लोज माइंड होता है कि बस ऐसे नहीं ऐसे ही होता है ना, ये नहीं यही होता है, तो ये जो एटीट्यूड है दिस इज नॉट अ वेरी गुड एटीट्यूड। जो फर्स्ट थिंग आपको डेवलप करनी चाहिए वो है दैट यू शुड बी ऑलवेज ओपन फॉर सॉल्यूशंस, है ना। कभी कभार सॉल्यूशन हमारे आसपास घूम रहा होता है लेकिन हम मानते ही नहीं है, हमारी टीचर ने हमें इस तरीके से सिखाया बस हम इसी तरीके से करेंगे, कोई दूसरे तरीके से नहीं करेंगे, क्यों, क्या पता टीचर मार काट दे, या पता नहीं मैं तो यही मेथड रट के आया हूँ या रट के आई हूँ, एंड समथिंग लाइक दैट, नहीं। सिमिलरली आपके पास कोई सिचुएशन आई है, ठीक है, आपने पिछले वाला केस सॉल्व किया था ऐसे ऐसे हुआ, अगले वाले केस में भी वही लगा दो, नहीं, यू शुड बी, ये केस अलग है, इसमें सॉल्यूशंस भी अलग निकल सकते हैं, यू शुड हैव अ वेरी वेरी ओपन माइंड, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ओपन माइंड। नेक्स्ट, विलिंगनेस टू सस्पेंड जजमेंट, इसका मतलब क्या होता है, हम कभी कभार कहते हैं इसको हेल्ड इन अवेयंस, क्या मतलब होता है कि भाई अभी जजमेंट नहीं पास कर सकते। यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि समटाइम्स इट इज नॉट द राइट टाइम टू प्रूव और डिसअप्रूव समथिंग, समटाइम्स इट इज नॉट द राइट टाइम टू प्रोनाउंस अ जजमेंट, बिकॉज अभी हमारे पास इनफ नहीं है सो दैट वी कैन जज। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि कोर्ट केसेस बहुत लंबे चलते हैं, एक तो रीजन ये है कि हमारे कोर्ट्स थोड़े से स्लोअर हैं या लोग जो हैं बहुत सारे लीगल जार्गॉन्स निकाल लेते हैं और उससे केसेस को लंबा खींच लेते हैं, बट कभी कभार दे आर राइट इन सस्पेंडिंग द जजमेंट प्रिसाइसली बिकॉज देर इज नॉट इनफ ऑफ एविडेंस टू प्रूव समथिंग और डिसअप्रूव समथिंग, सो वी नीड मोर एविडेंसेस। तो ये चीज भी समझ में आना चाहिए, क्रिटिकल थिंकर ये नहीं कि हमेशा ही इज जंपिंग टू अ कंक्लूजन, ही और शी, इट इज नॉट द केस दैट यू हैव टू जंप टू अ कंक्लूजन,
if it is like that, you do not have enough of evidence, so you should judge, you should suspend the judgment. आपको थोड़ा सा time लेना चाहिए, ठीक है? अच्छा, एक चीज और याद रखना, आपको बहुत trust होना चाहिए reasoning पे, ठीक है? क्योंकि जब तक आपके पास trust नहीं है ना, आप judgments या आप कोई भी चीज अगर दे रहे हो and mechanically दे रहे हो, तो it is not a attitude of a good critical thinker. A good critical thinker is a person who has trust in the reasoning process. क्योंकि reasoning आपको गलत थोड़ी पहुंचाएगा कहीं पे, है ना? Reasoning आपको सही पहुंचा रहा है. आप बोलोगे कि देखो reasoning तो ये कहती है कि ऐसा है पर मुझे तो नहीं लगता, तो फिर वो गलत है, है ना? मतलब कि आपका trust नहीं है उस system में. You should have enough of trust in the system and that system is of reasoning. तो trust होना चाहिए. And last but not the least, you should always be a truth seeker. देखिए, life it is not only about critical. Life, you should always try to pursue the truth. सच क्या है, है ना? And जो भी सच है, उसको निकालना बहुत जरूरी है. और उसको समझना भी बहुत जरूरी है. ठीक है? हम कभी कभार क्या होते हैं कि सच जानना ही नहीं चाहता, बोलते कि नहीं सच बहुत करवा हो सकता है या सच पता नहीं क्या क्या कर सकता है, दिस एंड दैट. तो लेट अस नॉट थिंक अबाउट इट या लेट अस नॉट गो फॉर इट और लेट अस नॉट सीक इट. नो, द राइट एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन शुड बी दैट ही और शी शुड ऑलवेज सीक द ट्रूथ. जो भी सच है उसको निकालना जरूरी, जो भी है कोई बात नहीं, ठीक है? उससे आप कोई और तरीके का जजमेंट नहीं, लेकिन एटलीस्ट लॉजिकल डिसीजन मेकिंग में एक ट्रुथ फाइंडिंग, जैसे कि लॉजिकल प्रिंसिपल्स को जब हम वैलिडिटी इनवैलिडिटी पढ़ाएंगे आपको, तो आपको बताएंगे कि इट इज अ ट्रुथ प्रिजर्वेशन प्रिंसिपल. ट्रुथ प्रिजर्वेशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू द कंक्लूजन हैज टू बी ट्रू. दैट इज द थिंग दैट इज लाइक ट्रुथ प्रिजर्वेशन. तो ट्रुथ प्रिजर्विंग होना बहुत जरूरी है और ट्रुथ को सीक करना भी बहुत जरूरी. चलिए, थोड़ा सा और बचा है, आगे चलते हैं. क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज में क्या क्या होना चाहिए? देखो, आपको ऑब्जर्वेशनल होना चाहिए, साथ में आपको इमोशनल भी होना चाहिए. देखो, ऑब्जर्वेशनल तो आप हैं, अटेंटिव हैं, ऑब्जर्वेशन आप तो ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन साथ में इमोशनल भी होना चाहिए. इमोशनल का मतलब क्या है? इमोशनल मतलब ये नहीं कि रोना धोना या दिस एंड दैट, मतलब कि सामने वाले की इमोशनल नीड्स को भी समझ में आना चाहिए, है ना? आपको भी जो है उनको काफ़ी ह्यूमन एस्पेक्ट से देखना चाहिए. इट्स नॉट दैट यू कैन ओनली मेक मैकेनिकल जजमेंट्स. मैकेनिकल जजमेंट्स डिडक्टिव लॉजिक करेगी, ठीक है? हम आपको थोड़ा बहुत डिडक्टिव लॉजिक के बारे में पढ़ाएंगे भी, लेकिन द थिंग इज कि यू डू नॉट हैव टू बी अ डिडक्टिव लॉजिशियन हियर. यू हैव टू बी एन इमोशनल ह्यूमन बीइंग जो लोगों के इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को समझे और उसको इमोशनली भी ट्रीट कर सके. इसी तरीके से क्वेश्चनिंग, आपको बहुत क्वेश्चनिंग करना आना चाहिए. दैट मीन्स कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें से डेवलप हो सकते हैं, है ना? आपने दो ही सवाल पूछे, 10 सवाल बन रहे थे, तो आपकी जो एनालिसिस वो ठीक नहीं होगी. आपको 10 सवाल पूछने चाहिए, उनके जवाब लेने चाहिए, फिर एनालिसिस करनी चाहिए, तब एनालिसिस ठीक है. अगर आपने 10 सवाल बन सकते थे लेकिन आपने दो ही सवाल बनाए, फिर दो सवाल के आंसर से आपने कुछ जजमेंट किया, तो वो सही नहीं भी हो सकता, ठीक है? इस तरीके से आपको इमेजिनेटिव भी होना चाहिए. जैसे आजकल आपने देखा होगा कि कोई केस सॉल्व करने के लिए लोग क्या करते हैं कि उसको रिक्रिएट करते हैं. इसका मतलब है कि वो इमेजिनेशन पूरे को डेवलप करके उसके बाद पूरा देखते हैं उसके प्रोसेस को सॉल्व करके. जैसे मैंने आपको इतने बार बोला था इन्फेरेंशियल इन्फेरेंस, इन्फेरेंस मतलब प्रेमाइस से कंक्लूजन जाने का तरीका. तो ये आपको इन्फेरेंशियल होना बहुत जरूरी है ना. ये प्रेमाइस से कंक्लूजन कैसे रीच करेंगे, वो रीजनिंग प्रोसेस को जानना जरूरी है. कोर्स के आगे वाले पार्ट में पढ़ाएंगे उसके बारे में. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इन्फेरेंशियल प्रोसेस. नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटिंग होना चाहिए. आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स बनाना आना चाहिए, ठीक है ना? एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए और आपको एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए. कभी कभार क्या होता है कि कोई चीज ऐसे सॉल्व नहीं हो रही, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट करके जो है देख लिया, है ना? आजकल फिलोसफी में देयर इज वेरी हाई स्कोप फॉर पीपल हु आर डूइंग सम थॉट प्रोसेसेस, है ना? थॉट एक्सपेरिमेंटेशंस कहते हैं, थॉट प्रोसेस करते हैं, ठीक है? तो वो कुछ कुछ सेटअप बनाते हैं कि अगर ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा तो क्या करेंगे, या लोग कैसे बिहेव करेंगे, या हमको क्या लगेगा इस सिचुएशन, ठीक है? उससे हम फिर कोई फिलोसॉफिकल थ्योरी बना सकते हैं या कोई साइकोलॉजिकल थ्योरी बना सकते हैं. तो एक्सपेरिमेंटेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे इट्स नॉट ओनली साइंस और इंजीनियरिंग विच गोज फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, इवन फिलोसफी, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज पीपल ऑल्सो गो फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. इस तरीके से आपको कंसल्टिंग होना चाहिए. सिर्फ ऐसा नहीं कि बस मुझे जो समझ में आ रहा है वही है ना, मुझे अगर जरूरत पड़े तो किसी कंसल्ट भी करना चाहिए. सपोज मैं एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूँ लेकिन केस जो है थोड़ा सा दूसरे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है,
तो मैं उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट से भी बात कर लेता हूँ, कंसल्टेशन कर लिया मैंने। आपको आर्ग्यूमेंट एनालिसिस करनी आनी चाहिए, इस चीज को हम लॉजिक में पढ़ेंगे, है ना। जो रीजनिंग वाला पार्ट होगा उसमें बताएंगे आर्ग्यूमेंट क्या होता है, उसके एनालिसिस कैसे करते हैं, आपके जजिंग स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड डेवलप जजिंग स्किल्स, यू शुड ऑल्सो हैव डिसाइडिंग स्किल्स। सिर्फ जज मतलब सिर्फ डिसीजन से नहीं हो पाएगा, सिर्फ जजमेंट से नहीं हो पाएगा, दोनों चीजें चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट टू जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जब भी कभी आप कोई एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए ये सारी चीजों के पीछे अजम्पशंस क्या थे, ठीक है ना। और वो अजम्पशंस कहीं प्रिजम्पशंस तो नहीं बन रहे हैं, या वो जो है हमें कोई फॉल्टी रीजनिंग तक तो नहीं पहुंचा के लेके जा रहे हैं। जैसे एक फैलेसी जब हम पढ़ रहे होंगे, दैट मीन्स फॉल्ट इन रीजनिंग, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपसे बात भी की जाएगी फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशंस के बारे में, कि कभी कभार हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कुछ चीजों को, और जब हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कुछ चीजों को कैसे वो गलत हो, है ना। तो दैट इज समथिंग ऑल्सो विच वी शुड अंडरस्टैंड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको डेफिनेशंस को इवेल्युएट करना आना चाहिए। मीन्स की जो डेफिनेशंस बताई गई है किसी चीज की, वो डेफिनेशन के अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। जैसे आज, जैसे मैं कल जब कोर्स डिस्कस कर रहा था तो मैंने सारा और सरका को बताया था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सिलॉजिज्म, और वो जो है एक टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है जो कि एरिस्टोटल ने दिया था, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो उस आर्ग्यूमेंटेशन के प्रोसेस में, या उसकी जब टेस्टिंग होती है तो उसके प्रोसेस में एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं कि ये इसमें एक फैलेसी है, यानी कि फॉल्ट होता है। अच्छा, वो फॉल्ट जो है रीजनिंग में नहीं है, वो फॉल्ट जो है सिलॉजिज्म को, मतलब उस आर्ग्यूमेंट को इनवैलिड नहीं करता है, रादर देन ये चेक करता है कि क्या ये इस तरीके का आर्ग्यूमेंट है भी कि नहीं है, है ना। जैसे कि वो टेस्ट ये नहीं करता है कि आर्ग्यूमेंट फॉल्टी है कि नहीं है, वो टेस्ट ये करता है कि डेफिनेशन के अनुसार ये वही वाला आर्ग्यूमेंट है कि नहीं है। कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड है, इनवैलिड है, वो सेकेंडरी हो गई। लेकिन वो अगर इस मतलब इस इवैल्यूएशन प्रोसेस में नहीं आ रहा है, उसके डेफिनेशन की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो फिर इसको हम चेक नहीं कर सकते, है ना। ये वाली बात है। जैसे कि सपोज कि हमने बोला कि 18 से 25 इयर्स के बच्चे जो है, मान लेते हैं कि 18 से 25 इयर्स के बच्चे, नहीं कहना चाहिए मुझे, लाइक यंग पीपल जो है दे आर गोइंग फॉर समर कैंप, ठीक है, टू पटनीटॉप सपोज, है ना। तो क्यों, क्योंकि वहां पे ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा। अब पता चला कि कोई 18 इयर्स का ही नहीं, ठीक है, वो जा सकता है, वो सारा ट्रैकिंग कर सकता है, समर कैंप में जा सकता है, सब कुछ जा सकता है, लेकिन वो 18 इयर्स का नहीं, तो हम उसको अलाउ ही नहीं कर सकते। तो ये जो डेफिनेशन है, इवैल्यूएटिंग द डेफिनेशन, या जो कंडीशंस है इसको देखना भी बहुत जरूरी होता है। ये भी एक क्रिटिकल इवैल्यूएटर का, या एक क्रिटिकल थिंकर का बहुत बड़ा, इसे कहना चाहिए एबिलिटी होता है, एबिलिटी डेवलप करना पड़ता है या पता होना चाहिए आपको। तो दिस इज समथिंग लाइक विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस टूडे। तो अगर आपको इसके ऊपर और भी मटेरियल चाहिए तो मैंने वेबसाइट का लिंक दे के रखा हुआ है, और ये वेबसाइट का लिंक और ये वीडियो जो है ऑल्सो अपलोडिंग, तो आप जो है वहाँ पर भी देख सकते हो, और मैं ये सारे मटेरियल जो है आपको मेल में भी प्रोवाइड करता रहूँगा। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टूडेज क्लास, वी विल कॉन्टिन्यू द डिस्कशन टुमारो।